Big face off in Bengal over Ram Navami, where Mamata led Bengal government has launched a scathing attack at the BJP and the Election Commission, where Mamata has said that the DIG of Murshidabad was changed by the Election Commission. And if now riots happen, the Election Commission will have to take responsibility. Mamata has further gone on to allege that the Election Commission is selectively appointing officers. Changes are being made so that BJP gets an upper hand, a chance. Meanwhile, hitting back, BJP has said the TMC leaders were giving provocative statements and hatching a conspiracy to defame Ram Navami. BJP criticised the state's bias in granting holidays, contrasting two days for Eid with the need for a court order for Ram Navami. गवर्नमेंट ऑफ निगलेक्टिंग हिंदू सिटीजन सेंटिमेंट ऑन राम नवमी वाउइट सेलिब्रेट विजय उत्सव रिगॉर्डलेस डी आई जी को भी मुर्शिदाबाद रेंजमेंट चेंज कर दिया बीजेपी का बातों पर अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा कि हमको पता है कौन दंगा संभाल सकता है आप जानबूझ कर बीजेपी का वक्त पे अब थुन थुन के ऑफिसा चेंज करता है वोट बैंक की राजनीति के कारण जान बूझ कर एक षड्यंत्र के तहत टीएमसी श्री राम राम रामनवमी जैसे पवित्र त्योहार को बदनाम कर रही है बंगाल में खेला होबे की संस्कृति के नाम पर भय उत्पन्न किया जा रहा है। जय श्री राम कहने वालों को जेल भेजा जा रहा है और जान बुझ कर वोट बैंक की राजनीति को कंसोलिडेट करने के लिए जिहादी मानसिकता को उकसाया जा रहा है है ईद में दो दिन की छुट्टी होती है। पता नहीं कहाँ होता है छुट्टी और रामनवमी की छुट्टी जन्माष्टमी के लिए छुट्टी के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है हिंदू समाज की इतनी दुर्दशा हो गई हिंदुस्तान में क्या हिंदू सेकंड क्लास सिटीजन है क्या पूरा देश में हिंदू समाज इसका विजय उत्सव मनाएगा रामनवमी में किसी की हिम्मत नहीं अधिकार नहीं रोके राम मंदिर राम नवमी हिंदू समाज यात्रा निकालेगा इसके पास उसके पास उसके पास जाएगा क्यों जाएगा ये पूरा अधिकार है हिंदू समाज का अपना पर्व हिम्मत से मनाने के लिए अपने ढंग से मनाने का तो सब शांति रहना चाहिए भाजपा का कंस्पिरेसी है राम के नाम पे अशांति करना और हम लोग राम को भक्ति करते हैं पूजा करते हैं यही कोर्ट का पूरा स्टेट में नजर रखना है भाजपा कोई कंस्पिरेसी नहीं कर सकती